आज के समय में कई पढ़े लिखे युवा खेती को अपना व्यवसाय बना रहे हैं और इससे उन्हें काफी सफलता भी मिल रही है। इस कड़ी में कोटा के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वी के बोयल, जिन्होंने भारत की नामी गिरामी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दी, अब लाखों रुपए का पैकेज छोड़ शुरू किया एग्रीकल्चर प्रशिक्षण केंद्र। हाड़ोती के किसान और एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए चंबल कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कोटा के बोरखेड़ा इलाके में किया डॉक्टर बोयल ने स्थापित। यहां किसानों और एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों को देते हैं हाइड्रोपोनिक्स खेती के बारे में जानकारी। बिना मिट्टी के खेती की तकनीक के बारे में बताया जाता है, किस तरीके से इस खेती को किया जाता है। किसान कम जगह में हाइड्रोपोनिक सिस्टम लगाकर अच्छी आय प्राप्त कर सकता है। इस तकनीक से सामान्य तकनीक की अपेक्षा सिर्फ 10% पानी की जरूरत पड़ती है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम घर पर भी लगाया जा सकता है, जिसमें पानी का टैंक बनाया जाता है, जो कि पौधों को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है वो सब इस पानी के टैंक में डाल दिया जाता है और पानी को लगातार चलता रहता है। इसमें सब्जियां भी उगा सकते हैं, पत्ता गोभी, लौकी, बैंगन, मिर्ची, टमाटर, कई तरह की सब्जियां हम इसमें उगा सकते हैं। इन सब्जियों की सबसे ज्यादा मांग 5-स्टार होटल में होती है और पर्यटक इन्हें पसंद भी करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर वी के बोयल, मैंने डॉक्टरेट किया एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे जो चंबल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, जो कोटा में यहाँ पे बोरखेड़ा में स्थित है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को जो है उनके एंटरप्रेन्योर के लिए उनको तैयार करना, तथा हाड़ोती रीजन के जो फार्मर्स हैं उनको क्या है कि खेती के अलावा उनके और कौन कौन से इनकम के साधन हो सकते हैं, इसके लिए उनको जो है यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ये एक्चुअली हमारा जो फर्स्ट जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम है, एक्चुअली ये जो घरेलू जिनके पास स्पेस की कमी है, जगह की कमी है, वहाँ पे वो लोग अपने घर पे छत पे इसको जो है लगा सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स को, जिसमें बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए जो घर में चीज़ें होती है, जैसे कि उनको ये फूल गोभी लगानी है, पत्ता गोभी लगानी है, या फिर जैसे हरी मिर्ची लगानी है। यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं कि कुछ ये बैंगन के प्लांट्स लगाए हुए हैं, कुछ पत्ता गोभी के हैं, कुछ मिर्ची के हैं, कुछ टमाटर हैं। तो ये कम खर्चे में जो है घर पे आप आसानी इजीली से जो है ये आप हाइड्रोपोनिक्स का सिस्टम है जो अपने घर पे लगा सकते हैं। ये किसानों के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है, किसान भी इसको जो है एक कमर्शियल तरीके से लेकर इसकी जो कॉस्टिंग जो रहती है वो कम आती है, लेकिन इसके जो फ़ायदा होता है वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इससे ले सकते हैं आप। पानी में ही चल रहा है इसका? हाँ, ये एक्चुअली इसके अंदर जो आप टैंक देख रहे हो, उस टैंक में पानी है। पानी के अंदर जो प्लांट को जो भी रिक्वायरमेंट रहती है न्यूट्रिएंट्स की, जैसे एनपीके है, कैल्शियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है और माइक्रो न्यूट्रिएंट जितने भी होते हैं, वो हम लोग पानी में मिक्स करके और उस टैंक में डाल देते हैं, और टैंक में डालने के बाद ये पानी पूरा फ्लो होता रहता है और वापस टैंक में चला जाता है। तो इस तरह से इनको जो भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट रहती है वो प्लांट को इजीली अवेलेबल हो जाती है। कितना खर्चा आता है लगाने का? ये सर एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बनवाया था, तो इसमें 6 से 7 thousands का जो खर्चा है। इसमें ये पाइप्स लगे हैं और ये प्लम्बर को बुला के बेसिक जो इसकी फिटिंग करवाई गई थी, और बाकी अब ये पौध है जो आप घर पे भी तैयार कर सकते हो, और इसमें ये पूरा कितनी मतलब फायदा कितना इसमें? ये एक्चुअली ट्रेनिंग पर्पज़ से है, ये स्मॉल स्केल पे इसको तैयार किया गया, लेकिन इसको थोड़ा सा बड़े स्केल पे तैयार करें तो इसको कमर्शियल तरीके से बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। ये ओनली ट्रेनिंग के पर्पज़ से है। ठीक।